राधे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने चेहरे पर निशान दिखाए थे अपने राइट साइड में, कि मैंने बताया था उसमें कि मैंने स्टेरॉइड लगाया था अपने चेहरे पर केवल ये परीक्षण करने के लिए कि स्किन कितनी जल्दी हील होती है और अगर किसी को चेहरे पर पिगमेंटेशन होता है तो वो कैसा फील करता है। तो फीलिंग तो मुझे कुछ भी नहीं आई थी क्योंकि मुझे पता था कि ये सही हो जाएगी, तो इसलिए ऐसी वैसी फीलिंग कोई नहीं आई। किसी ने मुझे टोका भी तो मैंने उसको एग्रेसिवली आंसर किया, ना कि खुद को मैंने बेचारा बनाया कि हाँ यार देखना ये हो गया अब क्या करें इसमें हो गया। तो खुद को बेचारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को पूछा था एक लेडी ने और एक कमेंट भी आया था। क्वेश्चन ये आया था कि कुछ क्यों नहीं किया मैंने स्किन को ठीक करने के लिए और अपने आप स्किन कैसे ठीक हो गई जबकि आपने कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात, एक कमेंट ये आया था कि मेरी स्किन ऑलरेडी अंदर से हेल्दी थी इसलिए वो अपने आप ठीक हो गई। देखिए, ये जो कमेंट है ये अपने आप में बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो मेरी स्किन पहले से ही अच्छी थी, ठीक थी, इसलिए वो मेरा खुद ब खुद ठीक हो पाया। मैं स्टोरी बता दूँ आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। हुआ ये था कि मैंने पिगमेंटेशन चेहरे पर करने के लिए मैंने स्टेरॉइड का अप्लाई किया था अपने हाफ चेहरे पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर वो एक या दो हफ्ते लगाने के बाद में फिर मैं निकला था धूप में, जिसकी वजह से मेरा चेहरा हो गया था बर्न, जल गया था, झुलस गया था और काला हो गया था। और फिर वो खुद जाके एक महीने में या डेढ़ महीने में अपने आप ठीक हो गया था जबकि मैंने उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, ना घी ना कुछ। तो मेरी स्किन अंदर से ऑलरेडी हेल्दी थी इसलिए वो ठीक हो पाया। अंदर से स्किन हेल्दी होने का क्या मतलब है, यानी कि जो उसकी साइकिल थी वो प्रॉपर चल रही थी। साइकिल मतलब कि एक्सफोलिएशन, पील ऑफ होना स्किन का, अपना आप प्रॉपर चल रहा था। दूसरी बात, मेरी जो त्वचा की ग्रंथियां हैं, पसीने वाली और तेल वाली ग्रंथियां जिसको हम बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, वो ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छे से वर्क कर रही थी जिसकी वजह से मेरा स्किन ठीक हो पाई। आयुर्वेदिक लिटरेचर में मैं बात कर रहा था पित्त के बढ़ने की, पित्त के डिस्टर्ब होने की, कि जिन लोगों का पित्त डिस्टर्ब होता है असल में उन्हीं को पिगमेंटेशन होती है 100%, 100% कारण यही होता है उनकी स्किन खराब होने का, अगर स्किन ड्राई हो रही है तो भी, और स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली और पिंपल्स हो रहे हैं तो भी, स्किन डल हो रही है तो भी, अगर स्किन में एक्स्ट्रा चमक आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए तो भी। तो भी क्या, आपका जो पित्त है वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, इम्बैलेंस तो है ही। देखिए, हमारे शरीर के अंदर तीन दोष होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, बात, पित्त और कफ। तो इसमें से पित्त दोष है जो कि आपका भड़का हुआ है, और दूसरी बात यह है कि पित्त दोष में भी पांच तरह के दोष होते हैं पित्त में, जो कि अलग अलग लोकेशन उनकी होती है। तो जो भ्राजक पित्त होता है वो हमारे स्किन के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन के हीट को रेगुलेट करता है, दूसरी बात वाटर को वो रेगुलेट करता है। अगर आपकी स्किन में हीट बहुत ज़्यादा है तो पित्त आपका बढ़ा हुआ है, और अगर आपकी स्किन डल है और बिल्कुल भी शाइन नहीं है और सूखी है, इसका मतलब आपका पित्त शरीर से घटा हुआ है, भ्राजक पित्त। ठीक है, पित्त की जो प्रकृति होती है, पित्त क्या होता है आप समझते हैं ना, कि थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है। ठीक है, तो पित्त ये होता है लिक्विड फॉर्म। तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो सब पित्त से ही रेगुलेट होते हैं। अगर हम हार्मोन की बात करते हैं, कि मान लीजिए अगर किसी फीमेल को, किसी महिला को या किसी लड़की को हार्मोन्स में बदलाव की वजह से अगर पिगमेंटेशन हुआ है तो ये भी भ्राजक पित्त की वजह से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हम इसको मेंटेन कर लेते हैं, तो 50% काम तो हमारा यहाँ हो गया, 50% काम तो हमारा यहाँ पर हो गया। और मैं इस चीज़ की शर्त लगा सकता हूँ कि 100 में से 50 से 60 पेशेंट तो यूं ही ठीक हो जाएंगे विदाउट एनी मेडिसिन या विदाउट एनी डाइट फॉलो किए हुए, अगर वो अपने भ्राजक पित्त को बैलेंस कर लेते हैं। तो भ्राजक पित्त को बैलेंस करने के लिए कुछ औषधियों की आवश्यकता पड़ती है या फिर कुछ डाइट में चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे बड़ा चेंज तो डाइट के अंदर ये होता है कि सुबह उठ के आप गर्म पानी ना पिएं। ठीक है, वो चाहे पित्त घटा हुआ हो चाहे बढ़ा हुआ है, गर्म पानी बिल्कुल ना पिएं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है क्या? तो देखिए, गर्म पानी कुछ लोग पीते हैं तो उनको सर में दर्द हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो मैंने पिछले, आई थिंक मैंने 2 साल पहले बताया था,
कि पित्त वाले पेशेंट को गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। और उसके बाद में जो मुझे रिव्यूज़ आए थे, इतने अच्छे रिव्यूज़ आए थे कि कुछ लोगों ने कहा कि मेरा बीपी हमेशा बढ़ा रहता था, मैं गर्म पानी पीता था उठ के इसी चक्कर में कि मेरा बीपी ना बढ़े, और उल्टा वो गर्म पानी पीने से बढ़ता था। और जब मैंने गर्म पानी पीना छोड़ा तो मेरा 5 दिन के अंदर अंदर मेरी बीपी की दवाइयाँ मैंने बंद कर दी और मेरा बीपी आज की डेट में कंट्रोल है। दूसरा, एसिड ज़्यादा बनता था वो अब नहीं बन रहा है। तीसरा कमेंट ये था कि सर में दर्द जो रहता था, एक भारीपन सा, वो नहीं रह रहा है, एक सुस्ती रहती थी वो नहीं रह रही है, अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस कर रहे हैं, यानी कि गर्म पानी छोड़ने से उनका पित्त बैलेंस हुआ है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आप अगर अपने खाने पीने में ही हल्का फुल्का चेंजेस कर लें तो बहुत अच्छी बात है, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा बदलाव और फ़र्क बहुत बड़ा। कई बार जो फ़र्क दिखता है वो इंस्टेंटली दिखता है, एकदम से दिख जाता है, कई बार फ़र्क को दिखने में समय लगता है, टाइम लगता है, तो परेशान ना हो, ठीक है। तो भाजक पित्त को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम, तो आप बिल्कुल भी गर्म पानी ना पिए, कोशिश करें कि ताज़े पानी में ही नहाएं। ताज़ा पानी ना ही बहुत ठंडा होता है ना ही गर्म होता है, हल्का सा गुनगुना होता है या फिर कुनकुना होता है, हमारे यहाँ पर गुनगुना बोलते हैं, आपके यहाँ पर पता नहीं उस पानी को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पर कुनकुना पानी भी बोलते हैं, निमाया भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। निमाया मतलब कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत गर्म, गर्म मतलब यह है कि वो अनकंफर्टेबल फील होता है, गर्म उसको कहते हैं, निमाया उसको कहते हैं कि उसमें कंफर्टेबल फील होता है, जैसे कि सर्दियों में कंबल के अंदर जो हीट निकलती है उसको कहते हैं निमाया, कि अच्छा अच्छा लग रहा है उस हीट में, तो निमाया पानी, उसमें अच्छा लगे, शरीर ना जले, ठीक है, तो उस तरह का पानी होता है वो। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि गर्म गर्म पानी अगर आप पीते हैं तो गर्म पानी पीना छोड़ें, ठीक है। अब रही यार चाय की बात, देखो अगर चाय अगर आप पीते हैं तो आप ग्रीन टी का उपयोग आप कर लें, कोई भी ग्रीन टी, ठीक, तुलसी तुलसी वाली हो, नींबू वाली हो, किसी भी ग्रीन टी का आप उपयोग करें अगर आप चाय अगर पीते हैं और लत नहीं छूट रही है तो उसकी, क्योंकि चाय छोड़ना बहुत ज़रूरी है। चाय के अंदर फिर आप चीनी भी डालते हैं जो कि आपको नुकसान करती है, तो चीनी भी नहीं चाय भी नहीं। खाने के साथ आप गुड़ जरूर लें, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ड्राई रहती है वो खाने के साथ गुड़ जरूर खाएं, जिन लोगों की स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो वो तो थोड़ा सा गुड़ खाएं, ये बस इतना सा खाने के बाद में, लेकिन जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है, पित्त नहीं है, उनको तो पूरा इतना बड़ा टुकड़ा गुड़ का खाना चाहिए। गुड़ जानते हैं ना, गुड़ क्या चीज़ होती है, गुड़ होता है गन्ने से, कई लोग नहीं जानते हैं गुड़ क्या होता है, कमेंट करके वो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि गुड़ क्या चीज़ होती है। गुड़ होता है गन्ने से बनता है, और गन्ने से मतलब कि उसको गन्ने के रस निकालते हैं, गन्ने के रस को उबालते हैं अच्छे से, और फिर जब वो उबलते 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 थोड़ा सा रह जाता है तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, उसको कहते हैं गुड़, ठीक है। उसमें कोई मसाला नहीं डलता है, कई लोग मसाला डालते हैं उसको टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, लेकिन मसाला नहीं डलता है, बिना मसाले का अच्छा लगता है। तो वो गुड़ डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है। हरी मिर्च जरूर खाएं, खाने में लाल मिर्च को अवॉइड करें, हरी मिर्च का सेवन जरूर करें, प्याज जरूर खाएं, फल फ्रूट्स जरूर खाएं, ठीक है। एल्कलाइन फूड जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, या फिर सिंपल पानी हो गया, या फिर जीरा पानी हो गया, जीरा डालिए पानी, मैंने बताया था कि रात को जीरा भिगो के रखिए, सुबह को छानिए और पी जाइए उस पानी को, तो वो भी एक तरह से हेल्प करता है आपकी पित्त के बैलेंस करने के लिए। तो मुख्य काम ये है आपके पित्त को बैलेंस करना, और औषधियाँ भी आती हैं पित्त को बैलेंस करने के लिए, जिसका चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। तो जुड़े रहिए आप हमसे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सर्दियों में, ये जो सर्दियाँ आ रही हैं, इनमें आपके जो पिगमेंटेशन है, जो लोग खास वीडियो देख रहे हैं उनकी पिगमेंटेशन को परमानेंटली दूर किया जा सके, ठीक है। और देखिए, एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में मेरी ये आया था, बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है, मैं उसको लेना भूल गया, आया ये था कि मैंने कहा है कि आप स्किन को एक्सफोलिएट ना करें, स्क्रब ना करें स्किन को, उससे बेबी स्किन नज़र आ जाती है और वो स्किन डैमेज हो जाती है। उससे पहले वीडियो मैंने कहा था कि आप ऑक्सीजन फेशियल जाके करवा सकते हैं। देखिए, अगर आपकी स्किन में अच्छे से रेस्पॉन्स आ रहा है डाइट लेने के बाद, या फिर मेडिसिन लेने के बाद आपकी स्किन अच्छे से रेस्पॉन्स कर रही है, तो आपको ऑक्सीजन फेशियल लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन फेशियल केवल उन लोगों के लिए था जिनको कोई भी चीज़ रेस्पॉन्स नहीं करती है, ना ही डाइट, ना ही मेडिसिन, और ना ही चेहरे पर लगाने वाला कोई भी चीज़, जिनकी स्किन बिल्कुल डेड हो चुकी है ना, उनको
सालों साल वो डाइट फॉलो करते हैं, सालों साल वो मेडिसिन करते हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जीरो। तो उन लोगों के लिए वो ऑक्सीजन फेशियल है, ठीक है। एक बार तो उनको लेना चाहिए, एक या दो बार या तीन बार, ठीक है। और धूप से ज़रूर बचना चाहिए, मैंने ये भी तो वार्निंग दी है ना बाद में कि धूप से ज़रूर बचना है उसको लेने के बाद में, तो वो लोग ज़रूर लें। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो एक बार आप ले सकते हैं, लेकिन धूप से बच के रहें। देखिए, मैंने वीडियो के अंदर ये कहा है कि स्कन का एक्सफोलिएशन कराना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली करा रहे हैं हर महीने बाद, तो ये चीज़ गलत है। करा लिया 6 महीने में, साल भर में एक बार करा लिया बहुत है, और कराएं भी तब जब आप अपने आप को धूप से बचा सकें, जब आप घर के अंदर रह सकें 2-3 दिन, कि हाँ चलो ठीक है, आज मैंने स्किन का एक्सफोलिएशन फेशियल मैंने करा लिया है, और मुझे 3 दिन तक घर पे ही रहना है, छुट्टी है, अब मैं 3 दिन धूप में नहीं जाऊँगी या जाऊंगा, तो उस कंडीशन में आप कराइए ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, कोई भी चीज़ को बांध के मत बैठ जाइए कि डॉक्टर साहब ने ये चीज़ बताई है तो बस इस चीज़ की गांठ लगा लो कि बस यही चीज़ करनी है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के पर्सन हैं आप, जेंडर क्या है आपका, हार्मोन स्टेटस क्या है आपका, शरीर के अंदर प्रकृति क्या है आपकी, एज क्या है आपकी, किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, तो डिपेंड ये करता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ एकदम से गांठ बांध के ना रखें, पहले समझिए मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, देन उसको अपने लाइफ में आप अप्लाई कीजिए। क्योंकि बिना समझे अगर मेरे कहने पर आप कुछ भी अप्लाई करेंगे लाइफ के अंदर, तो हो सकता है कि बहुत फ़ायदा हो या फिर हो सकता है कि नुकसान भी हो। वैसे तो नुकसान देने वाली चीज़ को मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये चीज़ नुकसान देती है सोच समझ के, ठीक है। बेहतर अभी तक तो ये हुआ है कि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा ही मिला है बताई हुई चीज़ों से। चलिए, मैं आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ दवाइयों की नॉलेज के साथ में, कि अपने पित्त को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या दवाई आप ले सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली आपको उपलब्ध हो जाएगी। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।